अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है फिर भी आप कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आप अब डॉलर्स बना सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये फाइवर जिसका मैंने खोला हुआ है इस पर भी आप काम करके इन डॉलर्स कमा सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। और दूसरी बात तो मैंने आपको बताई थी कि आपको मैं बता देता हूँ कि ये इस कैटेगरी जिस तरह वीडियो एंड एनिमेशन की वीडियो मैंने बनानी है, सर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की बनाई थी, उसमें उसकी कैटेगरीज बता दी थी, ये कैटेगरीज आती हैं, इसमें आप ये काम कर सकते हैं, इतना एक काम मिलता है, फिर आपके पे जो मतलब जो आपको दिल करता है वो आप चूज कर लें जो आपको बेहतर लगे, जो आपकी मतलब जो आपकी फील्ड जो भी आपके मार्केट प्ले जो भी करीब करीब ज़्यादा काम है, तो जो भी आपकी कंट्री में ज़्यादा काम है, जो भी सिटी में कुछ सिटीज में काम ज़्यादा होता है कुछ में कम होता है, उसको देखते हुए आप वो वाली फील्ड चूज़ कर लें। इसमें मैं आपको वीडियोस एंड एनिमेशन का बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें अब मैं आपको वीडियोस एंड एनिमेशन की कैटेगरीज बताता हूँ कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स, इसमें आप क्या करेंगे कि कोई भी स्टोरी है आपने उस पर एक एनिमेटेड वीडियो बनानी है, उसमें वीडियो क्या होगी उसमें स्टोरी को डिफाइन कर होगा कि जो भी स्टोरी होगी वो पूरी की पूरी एनिमेटेड वीडियोज में डिफाइन कर लेंगे, बेशक आप उसमें कंटेंट डालने के नीचे स्क्रिप्ट जारी हो के लिखा है कि ये हो रहा है, या फिर आप बकायदा उसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो एडिट करके, जिस तरह के आप अक्सर यूट्यूब और टीवी पे देखते हैं। आगे वीडियो एडिटिंग में यही बात हो जाएगी कि आप किसी भी एनिमेटेड वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं, या कोई भी सिंपल वीडियो बनी हो उसको ट्रिम करना है, कुछ उसमें वाटर मार्क ऐड करना है या कुछ भी उसमें एडिट करनी है, तो उसमें आप वीडियो की जो भी एडिटिंग होती है वो सब वीडियो एडिटिंग में आती है, ये बाकायदा आप इसको सीख सकते हैं। वीडियो एडिट किस तरह करते हैं, उसमें कोई चीज़ डालनी हो कोई चीज़ रिमूव करनी हो उसको कुछ भी करना हो तो किस तरह करते हैं, इस सारा काम वीडियो एडिटिंग में आता है। इन दोनों का काम काफ़ी है अगर देखा जाए ना, लेकिन कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पे इसकी मतलब ज़्यादा है, जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्रीज जिसके करीब है, मतलब जहाँ जिस कंट्रीज में फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा है ड्रामे ज़्यादा चलते हैं वहाँ इसका काम ज़्यादा है। शॉर्ट वीडियोस एड्स, ये तो आपको तकरीबन ज़्यादातर मिलेगा जितने बड़े सिटीज हैं वहाँ पे इसका काम बहुत ज़्यादा है। हर किसी का बिजनेस है उसने भी अपना बिजनेस के लिए कोई ना कोई ऐड जरूर लगाना है, किसी का कोई शॉपिंग का बिजनेस है, कोई मतलब कि किसी भी चीज़ का मतलब कि शूज सेल करने का या कपड़े के क्लॉथ्स का बिजनेस है तो वो ऐड जरूर बनवाएगा कि ये हमारे पास ये क्लॉथ्स हैं, हमारे पास ये शूज़ हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। या फिर किसी भी एजुकेशनल है वेबसाइट, किसी के एजुकेशनल का आपने ऐड बनाना कि हमारे पास एडमिशन है, एडमिशन ओपन का, जब भी एडमिशन ओपन होंगे तो इसका काम ज़्यादा आ सकता है आपके पास, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपने सिंपल क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ भी है उसके मुतालिक आपने एक मिनट डेढ़ मिनट का आपने या 30 सेकंड का ऐड बनाना होता है, हाथ दो तो 2 मिनट का आपने एक ऐड बना के देना होता है कि ठीक है जी। अब हम चलते हैं एनिमेटेड जिप्स। एनिमेटेड जिप्स आपने देखे होंगे व्हाट्सएप दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स में, देखिए कितने एनिमेटेड जिप्स हैं, ये भी आप क्रिएट करके दे सकते हैं। किसी ने कोई अपनी ऐप लॉन्च की है जिस तरह चैटिंग ऐप है तो उसमें वो आपको एनिमेटेड जिप्स बनाने के लिए हायर कर सकता है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वीडियो एड्स और ये एनिमेटेड जिप्स ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। तो अगर कोई मतलब काम पसंद आ जाता है किसी कोई ऐप जिस तरह फेसबुक का ऑनर है, इस तरह कोई भी किसी ने चैट की ऐप बनाई हुई है वो आपको हायर कर ले तो आप उसके साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। लोगो एनिमेशन, अब जिस तरह आप लोग बनाते हैं पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं उसमें आप एक एनिमेशन जिस तरह फिक्स करते हैं, इस तरह आपने यहाँ पे भी वीडियो लोगो की एनिमेशन कोई ना कोई लगानी होती है, तो इस तरह कोई भी एनिमेशन दे दें लोगों को किस तरह वो शो हो, किस तरह उसकी ये लोगो एनिमेशन में आ जाता है। ये वैसे इसकी ज़्यादा डिमांड कोई नहीं है लोगो एनिमेशन की। इंट्रोज एंड आउट्रोज, इसमें क्या किसी भी कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बना सकते हैं कि इसको कॉलेज है स्कूल यूनिवर्सिटी की, हमारे पास एडमिशन ओपन है,
हम इतने पे इतने मेरिट को इतने फीस नंबर वाले को इतने मेरिट पे रखेंगे, इतनी उसका उसका स्कॉलरशिप लगेगा, या फिर इतनी उसकी फीस माफ होगी, या क्या कुछ आप पढ़ाते हैं, क्या कुछ आपकी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी एक इंट्रोडक्टिव वीडियोस बनाने का यह भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। ऐप्स एंड वेबसाइट प्रीव्यू, कोई भी ऐप्स एंड वेबसाइट का प्रीव्यू बनाना हो कि ये हम प्रेजेंटेशन के लिए आप रेडी कर सकते हैं। कि अगर किसी ने भी कोई ऐप या वेबसाइट बनानी हो तो वो आपको हायर कर सकता है, हमारे लिए कोई अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करें, उस पर वीडियो बनाएं और हमें दे दें। ये एज ए आप वीडियो एनिमेटर इसमें भी काम कर सकते हैं ऐप एंड वेबसाइट प्रीव्यूज़ में। कि या फिर आपको वेबसाइट दे देता है कि इसकी ऐसे एनिमेशन कर दें कि हमें ये ऐसे शो हो कि हमने कि अपने कस्टमर्स को दिखानी है, तो उसमें भी आप इसमें काम कर सकते हैं। इसका काम भी कोई मीडियम है, ज़्यादा इतना कोई नहीं मिलता, ज़्यादा काम भी इतना कोई नहीं, लेकिन ज़्यादा भी नॉर्मल काम है इसका, ज़्यादा वैसे ना मिलने के बराबर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नॉर्मल कहा सकता है। कुछ लोग इसमें बनवाते भी हैं। लाइव एक्शन एक्सप्लेनर जी, अब कोई भी चीज़ लाइव जैसे स्ट्रीम लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसमें आपको अगर आपकी क्या नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आपको हायर किया जा सकता है लाइव वीडियोस में। कोई भी चीज़ भी आपने डिफाइन करनी हो उसमें, लेकिन इसका काम भी ज़्यादा नहीं मिलता। करैक्टर एनिमेशन, किसी भी करैक्टर की एनिमेशन वीडियो बना देनी है, किस तरह रोबोट्स वगैरह की होगी, जिस तरह ये एक इमेज लगी हुई है इसकी, आप मुर्दा को समझ सकेंगे। 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, किसी भी प्रोडक्ट है उसकी 3D इमेज बनानी होगी, मतलब एक लैपटॉप है उसको 3D उसकी इमेज होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है उसको कहीं से भी देखा जाए तो उसकी 3D एनिमेशन वीडियो शो होनी चाहिए। ई कॉमर्स प्रोडक्ट वीडियो, जो ई कॉमर्स वेबसाइट जिस तरह दराज होगी, अली बाबा होगी, इस पर जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर कोई ना कभी किसी ना किसी वीडियो पे किसी ना किसी प्रोडक्ट पे वीडियोस लगी होती हैं लाजमी। अगर कोई भी ई कॉमर्स का सेलर है, कोई भी दराज का सेलर है, अली बाबा पे सेलर है, वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो वो आपसे वीडियोस बनवा सकता है प्रोडक्ट्स की, जो वो उस पर लगा सके। ओटी एंड वेबसाइट एनिमेशन, किसी भी वेबसाइट पे एनिमेशन ऐड करने के लिए वेबसाइट पे देखते हैं आप काफ़ी वीडियोज़ होती हैं, तो वो भी आपको हायर कर सकता है बंदा, इसका भी काम ठीक है। स्पोक पर्सन वीडियोस, जो मतलब के किसी के लिए वाया जिस तरह के एक जिस तरह के न्यूज़ चैनल का न्यूज़ दे दी इस तरह भी, लेकिन इसका काम भी ज़्यादा नहीं है। स्पोकर पर्सन, किसी के लिए स्पोक करना, किसी के लिए बोलना, ये भी इंट्रोडक्टरी में आ जाता है वैसे, इसको कहा जाए ना स्पोक पर्सन वीडियोज़। अनबॉक्सिंग वीडियोस की, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं कहीं से भी, से दराज से कर ली, बाबा से कर ली, तो उसको अनबॉक्सिंग के कोई वीडियोस लोगों को चाहिए होते हैं कि हमें अनबॉक्सिंग वीडियो बना के दें, या फिर आपको जो भी प्रोडक्ट सेलर है उस, लेकिन प्रोडक्ट सेलर है वो क्या नाम है आपको कहे कि हमें अनबॉक्सिंग वीडियो बना के देनी है अपने लाजमी, ताकि हमें हमारे हम लोगों को दिखा सके और हमारा क्या नाम बिजनेस में थोड़ा अच्छा लोग फीडबैक बन सके, लोगों के अच्छे तस्वरात दे सकें कि हमने ये हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ई कॉमर्स वेबसाइट तो वो अनबॉक्सिंग वीडियो बनवा सकता है आपसे, बेशक वो अपनी प्रोडक्ट खुद ही डलवाए। लाइरे, लेकिन इसका काम भी ज़्यादा नहीं है। लायरेंस एंड म्यूजिक वीडियो, अगर आप थोड़ा बहुत लायरेंस जानते हैं, म्यूजिक जानते हैं, तो उसकी भी बाकायदा लायरेंस की वीडियोज भी बंदा आपसे बनवा सकते हैं। ई लर्निंग वीडियो प्रोडक्शन जी, अब जिस तरह के काफ़ी वेबसाइट हैं ऑनलाइन लर्निंग की, उसमें आपसे वीडियोस बनवा के दे सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है, कोई स्किल्स हैं, तो वो आपसे वीडियोस बनवा के बाय कर सकते हैं, मतलब कि आपसे वीडियो बनवा सकते हैं। हमें यह टॉपिक है, हमें क्या नाम है, आपने जिस तरह यूडेमी की वेबसाइट है उस पर कोई आप सीखने जा रहे हैं कोर्स, आपके कोई ना कोई आप एज ए टीचर के नाम है वीडियो बना के उनको दे देंगे रिकॉर्ड करके, या फिर आप एज अ कैमरा मैन या फिर वीडियो एडिटर उनकी वीडियोस का क्या नाम है वो आपको देंगे, उसको आपने उसको एडिट करना होगा, ये इस तरह आप उसकी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सबटाइटल एंड कैप्शन जी, अब कोई भी जिस समय वीडियो बना रहा हूँ इसमें कोई ना कोई कैप्शन ऐड करनी पड़ जाए नीचे की, ट्रांसलेट की इंग्लिश में कैप्शन ऐड कर लिया या फिर किसी और लैंग्वेजेस में, ताकि लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके जो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते, या फिर किसी को आज सुनाई नहीं देता तो वो हमारी कैप्शन से सुन पढ़ ले कि भाई ये बात अब की जा रही है, इसका ये मतलब जो भी है स्पीकर उसका ये मकसद है कहने का, तो उसमें कैप्शन वगैरह सब टाइटल्स ऐड कर लें। विजुअल इफेक्ट, क्या विजुअल इफेक्ट डालना है, कैसा उसकी विजुअल होना है, कैसे वो दिखनी चाहिए,
ये चीज़ें इसमें भी में आ जाते हैं। एनिमेटेड फॉर के एनिमेशन फॉर किड्स, गेम्स वगैरह में एनिमेशन कर सकते हैं या किड्स के लिए, ताकि वो उससे एंटरटेन कर सकें। इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए जो किड्स को पसंद आती हैं, जैसे डोरेमोन हो गई, ये भी एक एनिमेशन फॉर किड्स की एग्जाम्पल, डोरेमोन के कार्टून जो है ये भी एनिमेशन फॉर किड्स की एग्जाम्पल में लिए जा सकते हैं। स्लाइड शोज वीडियो जी, अब वेबसाइट काफ़ी वेबसाइट्स कहीं कहीं पर जो स्लाइड शोज वीडियोज डालनी होती हैं जी, या फिर जो उनकी बैकग्राउंड में वीडियो चल रही होती है वो भी आप क्रिएट करके दे सकते हैं। ड्रोन वीडियोग्राफी, अगर आपको ड्रोन चलाना आता है तो आप लोगों के लिए एज अ ड्रोन में भी ड्रोन को उड़ा के उसमें वीडियोग्राफी करके भी दे सकते हैं, जिसे भी आपको हायर किया जा सकता है। स्क्रीन कास्टिंग वीडियो, जिस तरह अब मैं जिस तरह स्क्रीन कास्टिंग वीडियो जी, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ये एक स्क्रीन कास्टिंग वीडियो, मतलब कि स्क्रीन को कास्ट करके स्क्रीन को दिखा के आपने कुछ ना कुछ आपने बताना है उसके बारे में, ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये कुछ है, ये कुछ, ये सारा डिटेल्स आपने स्क्रीन कास्टिंग वीडियोज में बतानी है। गेम ट्रेलर जी, कोई भी गेम्स आने वाली है, गेम्स के, मूवीज के, ड्रामास के, ये सब के सब आप वीडियो एडिटर में बना सकते हैं। बुक ट्रेलर, कोई बुक आ रही है किसी ने लॉन्च करनी है तो वो आपसे ट्रेलर बनवा सकता है। एनिमेशन फॉर स्ट्रीमर जी, अब कोई लोकल लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं आज स्ट्रीम यहाँ से, जिस तरह तो उसमें उन्होंने कुछ 30 सेकंड की वीडियो ऑलरेडी साइड पे डाली होती है जो सबसे पहले लॉन्च लाइव आने से पहले चलती है, वो आपने बना के स्ट्रीमर जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, मैंने भी ज़्यादातर वीडियो में 5 वीडियोज हैं तकरीबन अभी, जो अभी भी मैं आप ये रिकॉर्ड करूँ ऑफलाइन, जो मेरी बाकी जितनी भी वीडियोज हैं 4-5 वीडियोज के अलावा सारी की सारी लाइव हैं, तो उसमें आपका नाम है ऐड कर सकते हैं कि वीडियो शुरू होने से पहले ये चले हर वीडियो में और लास्ट में ये चले, या फिर जहाँ पे समथिंग है जहाँ पे भी आप उसको चलाना चाहें, ठीक है। आर्टिकल्स टू वीडियो जी, आप किसी भी वीडियोज में आर्टिकल्स मतलब चढ़ा सकते हैं कि आप कोई भी वीडियो चले तो उसमें वो आर्टिकल्स लिखने लग जाएँ या फिर आप खुश होने लग जाएँ लोगों से। रियल इस्टेट प्रोमोस, किसी का रियल इस्टेट बिजनेस है तो वो हाउसिंग के वीडियोज बना सकता है प्रोमोशन के लिए। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स लेके उसको एडिट करके आप दे सकते हैं या फिर उसकी वीडियोज वगैरह बना के दे सकते हैं, लोकल फोटोग्राफी भी इसमें ही आ जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या नाम है, आपने खुद चूज़ करना है कौन सी फील्ड बेस्ट है। मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वीडियो बताई हुई है, उसको लाजमी देखिएगा, मैं इसमें सजेस्टेड वीडियोस में डाल देता हूँ, तो इंशाल्लाह वो आपको शो होने लग जाएगी ऊपर टाइट। अब आपको उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपके आगे चलते फिर तैयार बंदे को ज़रूरत होती है, ठीक है जी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।